करने वाले यहाँ के प्रबंधन का, मैनेजिंग कमिटी का, यहाँ के सब टीचर्स का और मेरे बहुत प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट्स का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी स्नेह और प्यार से मेरा स्वागत किया, मेरा दिल बहुत बहुत खुश हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आप सबसे कि यहाँ पर कौन से क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं? क्लास 12 के कितने बच्चे हैं? हाथ उठाएंगे, ओके, थैंक यू। क्लास 11 के, ओके। क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5, क्लास 4, ओके, क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1, क्लास 1 के बच्चे हैं। ओके, तो देखो हमारे बीच में पूरा स्कूल यहाँ पर बैठा हुआ है, क्लास 1 से लेकर क्लास 2। एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? आप पर तो मुट्ठी बनाओ, कितनी देर तक आप एक कस की मुट्ठी बनाए रख सकते हो? देखो मैं गिनती करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, खूब खूब सुन रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितनी देर तक मुट्ठी बना सकते हो बताओ? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बताओ कितनी देर तक बना सकते हो? जोर से मुट्ठी बताओ, 10 मिनट बताओ, थोड़ी 11 मिनट में बना सकते हैं। हाँ, अच्छा, और 15 मिनट तक? अच्छा, चलो ठीक है, आप अपना हाथ खोलो, कैसा लगा? यानी जो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखो एक्सरसाइज क्यों कराएंगे आपको, हम मालूम है कभी कभी क्या होता है, देखो क्लास 1 के बच्चे भी हैं यहाँ पर और देखो तार जमा हो सकता है। अच्छा, ये हटा देते, ये राइट साइड पर कर देते, सही है। देखो क्लास 1 के बच्चे भी हैं यहाँ पर और वहां पर क्लास 12 के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर कोई सब खुश। कभी कभी मम्मी डांटती है फिर पापा डांटते हैं, तो जब मम्मी पापा डांटते हैं तो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। हाँ, तो हम कितनी देर गुस्सा रहेंगे मम्मी पापा से? स्कूल में कभी टीचर हमको डांटते हैं? हाँ, तो हम कितनी देर खफा रहेंगे टीचर से? और आपके जो फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके पास फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड अगर आपसे नाराज हो जाते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा, तो आप कितनी देर नाराज रहोगे उनसे? तो देखो जब मुट्ठी आपने बनाई थी तो ताकत लग रही थी, बताओ ताकत लग रही थी मुट्ठी बनाने में, और जब हाथ खुला तो कैसा लगा? बहुत आराम, आराम लगा था, नहीं लगा था, रिलैक्स। हाँ, आपको अच्छा लगा था? अच्छा लगा था कि खराब हो गया जब हाथ खुला? सबको अच्छा लगा। तो उसी तरह से अगर हम किसी से नाराज रहेंगे लंबे समय तक तो नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। तो अब से आप क्या करेंगे? कभी किसी से नाराज नहीं रहेंगे लंबे समय तक, और अगर हम गुस्सा करेंगे तो किसका नुकसान होगा?
अगर हम लड़ाई करेंगे तो किसका नुकसान होगा? तो ये एक्सरसाइज मुट्ठी बंद करना, चेस्ट की मुट्ठी बंद करना हमारा स्वाभाविक संस्कार नहीं है, मतलब मैं कहूंगा कि ये हमारी आदत नहीं है। बताओ अगर आपको कुर्सी में बैठने को कहा जाए और क्लास में खड़े होने को कहा जाए, तो क्लास में दिन भर खड़े रहकर पढ़ाई करना आसान है कि बैठ कर पढ़ाई करना आसान है? क्योंकि ये स्वाभाविक तरीका है पढ़ाई करने का, स्वाभाविक मतलब नेचुरल तरीका पढ़ाई करने का। तो हम कोई ऐसा काम करें जिसमें बहुत मेहनत हमको लगती है तो समय भी चला जाता है और नुकसान भी हमारा होता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि शांति से, प्यार से, समझदारी से अगर हम कोई काम करते हैं तो फायदा किसका होगा? हमारा फायदा। तो अपने आप से पूछो, आप सब अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ कहो, पूछ सकते हैं। देखो अपने आप से, दूसरे से तो नहीं पूछना है। हाँ अपने आप से पूछो कि हमको अच्छा इंसान बनना है कि बुरा इंसान बनना है? सबसे पहले मैं उसे क्वेश्चन करो, डू आई वॉन्ट टू बी अ गुड गुड ह्यूमन बींग और अ बैड ह्यूमन बींग? बताओ। गुड गुड। कितने लोग कहते हैं बैड बनना है, बुरा बनना है? कितने लोग बुरा बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमको लड़ाई झगड़ा करके हमारा काम आसान हो जाता है। गुस्सा करोगे तो तुमको तुम्हारा सामान मिल जाएगा, कभी हम पैर पटकेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे तो मम्मी खिलौना दे देंगे हमको, और बाजार में जाएंगे तो फिर खाने की मिठाइयां भी हमको मम्मी खरीद के दे देंगे। ऐसा है कुछ बच्चे के लिए? हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो पैर पटकने से, चीखने चिल्लाने से नुकसान किसका होगा? एक तो गला खराब हो जाएगा और क्या होगा, जो लोग देखेंगे तो वो मम्मी को कहेंगे बुरा कि बच्चे को कहेंगे बुरा? हाथ पे पीटे बच्चे ने, चिल्ला चीख रहे बच्चा तो मम्मी को बुरा क्यों बोलेंगे? किसने चीखना चिल्लाना किसने किया? तो फिर मम्मी को मम्मी क्यों बुरी हुई? बच्चा बुरा हुआ। हाँ नुकसान किसका हुआ इसमें? बच्चे का। कि मम्मी पापा का? बच्चे। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम अपना नुकसान ना करें। आपको प्रॉफिट में रहना है कि लॉस में रहना है? प्रॉफिट में रहना है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। कौन से स्वामी जी? अगर हम कमजोर संकल्प करेंगे, कमजोर विचार हम जागृत करेंगे तो हम कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल, उदाहरण बताओ, कमजोर संकल्प कैसे होते हैं? कमजोर विचार कौन कौन से होते हैं बताओ? ऐसे मुझे तीन विचार बताओ कमजोरी के, मैं बताऊं? सुबह स्कूल कितने बजे होता है बताओ? आप लोग कितने बजे सो के उठते हो? चार बजे उठते हो? छह बजे उठते हो? और कभी कभी होता है कि अभी तो और सो ले, पांच मिनट और सो लेते हैं, दो मिनट और सो लेते हैं, होता है ऐसा? हाँ हाँ होता है। तो ये कैसा विचार हुआ? कमजोरी का हुआ, आलस्य। और क्या होता है जब दो मिनट और सोते फिर वो पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? और फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहनेंगे, जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे,
और दौड़ते भागते सहाते और सोचो आप समय पे उठे आराम से नहाकर तैयार होके नाश्ता करके आराम से स्कूल आए तो ज्यादा अच्छा कौन सा है बताओ? आराम से उसके लिए सारे तरफ उठना पड़ेगा। तो ये कमजोरी के संकल्प एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू, हमारी क्लास 10, 11, 12 के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, क्लास 9 के बैठे हुए हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम, यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा कि नहीं होगा? अब देखो साल भर पढ़ाई होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट में बताओ? हाँ, साइंस और सोशल साइंस। सब्जेक्ट्स के नाम बताओ। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। और कोई सब्जेक्ट है? तो देखो इतने सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, थैंक यू, तो ताली बजाएंगे उनके लिए। तो देखो इतने सब्जेक्ट हमको पढ़ना है साल भर में। देखो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चे, देखो आपके सीनियर बैठे हैं यहाँ पर। सीनियर मतलब बड़े आपके। आप लोग भी जब बड़े होंगे तो यूपी बोर्ड की परीक्षा देनी होगी आपको, तो वो लोग तैयारी करते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा महत्वपूर्ण है कि नहीं बताओ? महत्वपूर्ण है। उसकी तैयारी कब से शुरू करें? अभी से बताओ। आपके 10th की जो परसेंटेज है, 12th की जो परसेंटेज है, क्या स्नातक कैंडिडेट को मदद करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। हाँ, तो उसकी तैयारी कब से कर रहे हो? अभी से। नहीं, वो तो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जवाब देंगे। अभी आप 9th, 10th, 11th, 12th से नहीं आए, ठीक है? तो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जवाब देंगे। आप तैयारी कब से करोगे? अभी से। अभी से? अप्रैल से। हाँ, कब से? अप्रैल से करेंगे। हाँ, अच्छा, तो ऐसा क्यों? अप्रैल से क्यों करेंगे? बोर्ड एग्जाम कब होता है? मई में होता है। मार्च। बोर्ड एग्जाम कब है? कौन से महीने में? हाँ, फरवरी में है। फरवरी में है। और तैयारी कब से शुरू करेंगे? हाँ, तो देखो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हम अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कब से करेंगे। ये भी एक कमजोरी का संकल्प हुआ, हमें मालूम ही नहीं। अज्ञानता, अज्ञानता कमजोरी है कि शक्ति है बताओ? कमजोरी। आप मेरी प्यारी बहने बैठी हुई है पीछे और छोटे छोटे बच्चे, देखो आपके बिहाफ पे जवाब दे रहे हैं कि कमजोरी का संकल्प है। तीसरा उदाहरण क्या होगा? अपनी बात मनवाने के लिए या अपने आप को ऊंचा करने के लिए किसी का अपमान करना। गॉसिप, गॉसिप को हिंदी क्या बोलेंगे? पर चिंतन करना, पर दर्शन करना। आप समझते हैं मीनिंग ऑफ पर चिंतन, पर दर्शन? इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप, किसी को गिराना, किसी की बुराई करना, नीचा दिखाना। तो ये बताओ ये कमजोर लोग करते हैं कि शक्तिशाली लोग? तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। स्वामी जी ने कहा जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो हमने क्या सोचा? पहली बार देर तक सोते रहो, आलस से करो नहीं, पहले करो। दूसरा हमने क्या सोचा? दूसरा एग्जाम्पल क्या था? बोर्ड एग्जाम्स का। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कब से करनी है?
अभी भी थोड़ी दुविधा है, कोई बात नहीं, मगर दुविधा को हटाने के लिए एक तो ज्ञान चाहिए और दूसरी समझ चाहिए, और ज्ञान और समझ आने के बाद तैयारी भी चाहिए उसकी। एक दिन में कितना कितने घंटे होते हैं आपके पास, कितने सब्जेक्ट से पढ़ने को? छह सब्जेक्ट से पढ़ने को। तो हम अपना समय कैसे विभाजित करेंगे कि हम हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं? हर सब्जेक्ट में मान लो 15 चैप्टर हैं, तो 15 × 6 कितना होगा? 90। 90 मिनट। 15 कितना? 90 चैप्टर्स। 90 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन करना होगा कि नहीं करना होगा बताओ? तो स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। क्या हमने ऐसा सोचा बताओ? यस नो? तो अब इसको यस करना है, अब हमको इस दिशा में सोचना है। तो स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अपने को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजबूत संकल्प आप करिए। स्वामी जी कहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो शक्तिशाली संकल्प करें। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, मैं अथक हूं, आई एम टायरलेस, मैं आलसी नहीं हूं। अपने आप को बोलो ऐसा, अपने आप को बोल सकते हो ऐसा? हाँ, क्या बोलोगे अपने आप को? आई एम टायरलेस। अभी आपको बोले कि मुझको बोर्ड्स में टॉप करना, मुझको बोर्ड्स की तैयारी बहुत मजबूती से करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि टीचर्स कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, समाज कहता है। क्यों करनी है? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं इस समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्यों हमको शक्ति प्रदान करता है कि नहीं करता है? तो अपने आप से ये बातें हम कर सकते हैं, अपने आप से ये बातें। क्या हमने अपने आप से कभी बात करी है? ये सारा सभी दूसरों से बात करने में चल जाता है। और मेरे अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी ने पूछा, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पता नहीं। आज आप दुखी क्यों हैं? पता नहीं। आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पता नहीं। ही ही ही। तो ये जो जवाब है, पता नहीं, बताओ ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है? क्यों गलत है? मेरी दुनिया, मुझे नहीं पता, मेरी भावनाएं, मतलब मेरी, मुझे सुख है या दुख है, मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, और मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए? कहेंगे कि पता, मेरी टीचर बताएगी कि मैं क्यों दुखी हूं, क्यों परेशान हूं, क्यों खुश हूं, ऐसा होगा? मम्मी बताएंगे, पापा बताएंगे, ऐसा होगा? तो कैसे होगा? जब हम हमारे अगल बगल क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो, हमारी आंतरिक दुनिया में क्या हो रहा है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसके प्रति हम जागरूक हो, सतर्क हो। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो क्या
हम कह सकते हैं मुझे ये चीज नहीं पसंद है। अन्याय सहना सही है गलत है, इसमें तो बहुत जल्दी से बोले गलत है, तो उसको एक्सप्रेस करना, उसका उसको बोलना बहुत जरूरी है। बहुत अगर आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा, हमारे साथ एक ही बच्चा है जो यहाँ पर जवाब दे रहा है, देख रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी बच्चे भी जवाब दे। क्या नाम है बेटा आपका? अभिरल मिश्रा। थैंक यू अभिरल। अभिरल के लिए जोर डालना है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हम उमंग उत्साह में है, मायूस है, परेशान है, खुश है, उत्साहित है, लालायित है, ये सब अलग अलग भावनाएं होती हैं, जिसके प्रति अगर हम जागरूक होंगे तो हम अपने जीवन को दिशा दे पाएंगे। दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे ना। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझें, इस बात को महसूस करें कि कुछ समय दिन भर हम सुबह उठते हैं, तैयार होते स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद घर जाते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन कुछ समय हम अपने लिए नहीं जाते। कितने लोग यहाँ पर 5 से 10 मिनट रोज अपने लिए निकाल सकते हैं? हाथ ऊपर करें। 5 से 10 मिनट रोज अपने लिए निकाल सकते हैं। थैंक यू। अब ये 5 से 10 मिनट जो आप रोज अपने लिए निकालोगे, इससे करोगे क्या? क्या करोगे? नहीं नहीं सेल्फ टॉक करोगे। अपने लिए निकालना मतलब अपने साथ बैठना। Do I enjoy my company? क्या हम अपनी कंपनी अकेले यहाँ बैठ सकते हैं या हमको हमेशा के साथ में चाहिए? नहीं। बताओ। नहीं। क्या हमें हर समय कोई साथ में चाहिए या जब अकेले बैठते हैं परेशान हो जाते हैं या घबरा जाते हैं? होता है ऐसा? लोग कह रहे होता है ऐसा, तो आपको हर समय कोई ना कोई साथ में चाहिए? साथ में नहीं चाहिए अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए 5 से 10 मिनट अपने साथ बैठो और याद करो उस ईश्वर को याद करो। कुछ भी ना समझ में आए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपसे बताओ।